नमस्कार, मैं अशोक नगर से पार्षद रीना महेश्वरी, वार्ड 221 अशोक नगर से। मैं सभी को आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। मैं 2017 से निगम पार्षद रही और हमने अपने क्षेत्र में जनता की, सबसे पहले तो निगम का जो काम होता है वो स्वच्छता का होता है, तो हमने अपना फोकस, हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि स्वच्छ भारत का जो सपना है उसको निरंतर साकार करने के लिए हम पार्षद जो है क्षेत्र में निरंतर कार्य करवाते रहे। साफ सफाई हमारा मेन उद्देश्य रहा और इस पे निरंतर हमने अपने क्षेत्र में फोकस रखा। और मेरे यहाँ पर निगम का के दो स्कूल हैं और उसको कह करके पहले तो मैंने उसको दो पाली में करवाया, मॉर्निंग इवनिंग में बच्चों के लिए के इंग्लिश मीडियम का स्कूल करवाया उसको, और उसमें जो है 6 कमरे बनवाए बच्चों की कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक पढ़े, तो उसमें 6 रूम और बनवाए जिससे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़े लिखे और अपने क्षेत्र का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। इस तरह से हमने मलेरिया के लिए जो एक रूम भी बनवाया जिससे कि हमारे क्षेत्र में जो मलेरिया के कर्मचारी हैं उनके लिए एक रूम बनवाया था, और उसमें पहले वो हमारे जो होते पवार भाई सब के यहाँ पर वो बैठते थे, यहाँ पर उनके बैठने का कोई स्थान नहीं था, तो उसके बैठने के लिए व्यवस्था कराई और जिससे वो हमारे क्षेत्र में ही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ये गर्मियों में बीमारियाँ होती हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ जो कि आप देख रहे हैं कि अब जो बीमारियां जो है डेंगू है मलेरिया चिकनगुनिया जो है वो बढ़ रहा है, और हम निरंतर यह क्षेत्र में अपने फॉगिंग कराते रहते हैं जिससे कि ये बीमारियां की रोकथाम करी जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्देश्य होता है कि जो क्षेत्र के लोग हैं वो स्वस्थ रहें, और निरंतर हम गली गली घूम करके फॉगिंग का जो कार्य है अब भी हम करा रहे हैं, पहले भी हमारा ये कार्य जो है निरंतर चलता रहा, और आप देखेंगे कि और वार्डों की अपेक्षा मेरे वार्ड में जो है केस भी कम है, कम आ रहे हैं, क्योंकि हम गली गली घूम करके फॉगिंग कराते हैं, नालियों में मच्छरों की दवाई कराते रहते हैं। मेरे यहाँ ई ब्लॉक का एक नाला है, उसमें भी हम समय समय पर जो दवाई का जो है छिड़काव वहाँ पे कराते रहते हैं जिससे कि बीमारियों को रोका जा सके। और हमारे यहाँ निगम की जो एक मैं पहले हेल्थ की 2-3 बार डिप्टी चेयरमैन भी रह चुकी हूँ और महिला कल्याण बाल विकास की चेयरमैन भी रही हूँ, तो हमने हमेशा जो क्षेत्र की भलाई के लिए ही कई, मैंने कोरोना काल में भी कई डिलीवरी केस भी मैंने कराए, और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जितना मैं क्षेत्रवासियों के लिए कर सकती हूँ उतना करने का निरंतर प्रयास करती हूँ। और कोरोना काल में भी हमारे जो कर्मचारी हैं वो उन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ निरंतर वो क्षेत्र में कार्य करते रहे, उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। और मैं देखो, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, कर्मचारियों का जो है हमारे को निरंतर सहयोग भी मिलता रहता है और क्षेत्र की जो जनता है उसका भी हमें निरंतर सहयोग मिलता है। सभी यहाँ पे RWA के जो भी यहाँ के प्रधान हैं वो भी हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहते हैं, और कहते हैं ना जब सबका सपोर्ट मिलता है तो काम करने की इच्छा भी प्रबल होती है। और हम निरंतर अपने जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए कि सेवा ही परम धर्म है, उसको हम उस पर हम विश्वास करते हैं कि कर्म प्रधान होता है, कर्म करने से ही कहते हैं ना आत्मा भी प्रसन्न होती है, तो हमारा निरंतर प्रयास क्षेत्र की जनता हमेशा स्वस्थ रहे, सभी हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़े लिखे, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और अभी मैं कमिश्नर जी से भी मिलकर के आई थी और उनसे भी अपने जो गलियां हमारी बनी हुई नहीं है, हमने कई गलियां भी बनवाई, कई रोड बनवाए,
और जो रोड हमारे यहाँ रह गए हैं उसके लिए मैं फंड लेने के लिए भी अपने कमिश्नर के पास गई थी, और जो गलियां रह गई हैं उसको भी हम निरंतर बनाएंगे। और जो उज्ज्वला योजना के तहत हमने अपने क्षेत्र में जो है गैस भी लोगों को दी, महिलाओं को गैस उपलब्ध करवाई, जिससे कि उनको जो समस्या है खाना बनाते समय जो स्टोव वगैरह जिनके घरों में जलाए जाते थे गैस नहीं होने की वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो उन्हें वो भी हमने फ्री दिलवाई। और अभी हमने जो हमारे कर्मचारी कोरोना काल में जिन्होंने कार्य किया और इतनी मेहनत करी, तो उनकी सुरक्षा के लिए मैं हमेशा कहती रहती थी कि उनको उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाएं। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने कर्मचारी जो है हमारे क्षेत्र में काम करते हैं सफाई कर्मचारी, उनको किट भी दी है, अभी किट वितरण की है उनकी सेफ्टी के लिए, उसमें रेनकोट है और चार पांच चीजें हैं जो उनकी सुरक्षा में उनको सहयोग करेंगी। नगर वार्ड में LIG में कुछ झुग्गी हैं और वहाँ पर महिलाओं को टॉयलेट की समस्या रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कई LIG में MIG में कई टॉयलेट भी बनवाए, जिससे कि जो महिलाओं को असुविधा होती थी वो सुविधा हो सके। और कई जगह बेंचें लगवाई, जैसे गुरुद्वारे के पास लगवाई और पार्कों में लगवाई, जिससे लोगों को बैठने के लिए सुविधा मिल सके। स्ट्रीट लाइटें जहाँ के जो डार्क प्लेस थे उसमें कई ऐसी ट्रेजिडी हो जाया करती थी जिससे कि समाज को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनको ध्यान में रखते हुए हमने स्ट्रीट लाइटें लगवाई। और स्ट्रीट लाइटें हमारी पिछली बार भी काफ़ी लगी थी और अब की बार भी मैंने काफ़ी जगह स्ट्रीट लाइटें लगवा करके अपने जो क्षेत्र है उसको जगमगा दिया है। और हमारे यहाँ पर एक राम पार्क है ज्योति नगर में, उसमें मैंने काफ़ी जो लाइटें हैं हमने काफ़ी लाइटें लगवाई हैं और पूरा पार्क जगमगा दिया है पार्क। और हमारे यहाँ पर 80 पार्क हैं और 80 पार्कों में मालिक जो है वो काफ़ी कम है, उसके बाद भी हम निरंतर उनकी सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते रहते हैं, चाहे पार्कों की सफाई हो चाहे क्षेत्र की सफाई हो। और अभी हमने कई जगह क्या करा है कि जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा रहता था वहाँ पर हमने पेंट करवा करके उन कूड़े के जहाँ पे ढेर होते थे वहाँ पे हमने पेंट करवा दिया, और पेंट करवा करके वहाँ पे गमले लगवा दिए, तो लोग जो है बहुत ही खुश हुए कि जो कूड़े के जो ढेर थे वहाँ पर अब कूड़े के ढेर नहीं लगते हैं और गमले रहते हैं, तो हरियाली भी वहाँ पर बनी रहती है, तो वातावरण भी वहाँ पर साफ सुथरा बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा क्षेत्र में निरंतर प्रयास साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान है। और हमने अपने क्षेत्र में पहले जो है कूड़े के डस्टबिन भी बांटे थे कि लोगों को जागरूक किया कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग रखने के लिए हमने गीला कूड़ा हरे डस्टबिन में और सूखा कूड़ा नीले डस्टबिन में, तो इस तरह से हमने दो डस्टबिनों का वितरण भी किया था। सफाई का ही विशेष उद्देश्य है और इसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं को डस्टबिन वितरण किया गया था।